जिला मंडी के सुंदरनगर के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष कृष्ण वर्मा की अध्यक्षता में सभी पदाधिकारियों के साथ सुंदरनगर के एसडीएम राहुल चौहान के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें तीन मुद्दों पर मांग की गई, जिसमें उन्होंने प्रमुखता से और गंभीरता से महोदय के समक्ष इन मुद्दों को रखा और मांग करते हुए कहा कि जितने भी प्रवासी लोग मंडी जिला में रह रहे हैं उनका पुलिस थाना में पंजीकरण अवश्य होना चाहिए, चाहे वो फेरी वाले हों या फिर वहां पर काम करने वाले हों, और इस प्रकार के बाहरी लोग चाहे वो गाँव में फेरी व सामान बेचने वाले हों या किसी ठेकेदार या दुकानदार के पास काम करते हों, उनका पंजीकरण पुलिस थाना में जरूर होना चाहिए। और दूसरा मुद्दा कि मीट बेचने वालों का भी समय समय पर चेकिंग होनी चाहिए और उनके लिए स्लॉटर हाउस का निर्माण किया जाए और धर्मांतरण की तरफ लोगों का आकर्षण होना भी गंभीर मुद्दा है, इस पर भी प्रशासन के माध्यम से रोक लगाना आवश्यक है। इस पर एसडीएम राहुल चौहान ने आश्वासन दिया है कि इन मुद्दों को गंभीरता से लिया जाएगा और पुलिस को इस बारे में अवगत करवाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद जिला सुंदरनगर की पूर्ण कार्यकारिणी एसडीएम सुंदरनगर से हमारा मिलना हुआ और इसमें विश्व हिंदू परिषद ने तीन चार विषय जो यहां पर प्रमुख थे उनको बड़ी प्रमुखता से एसडीएम के सामने रखा। उसमें सबसे पहला जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारा, वो था कि जितने भी बाहर से जितने भी प्रवासी, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे फेरी वाले हैं, चाहे वो कहीं कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करने वाले हैं, जो भी हैं, कहीं भी किसी भी राज्य से आ रहे हैं, तो उनका पंजीकरण जो है बिल्कुल निश्चित रूप से जो एंटी आइडेंटिफिकेशन उनकी जो है पुलिस प्रशासन के पास होनी चाहिए। इस विषय में हमने माननीय एसडीएम साहब को बोला है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं हमारा जो प्रशासन है पुलिस प्रशासन को मैं ये निर्देश जारी करूंगा कि उनका पंजीकरण जो है पूर्ण रूप से किया जाए। और दूसरा विषय था हमारा कि यहाँ सुंदरनगर में जो स्लॉटर हाउस का विषय काफी समय से चला अटका हुआ है, तो स्लॉटर हाउस की जल्दी से जल्दी जो व्यवस्था की जाए ताकि ये जो दाएं बाएं ये जो जहां भी हमारे मीट बेचने वाले हैं, ये जो इनका जो जहां पर काटने का जो काम है वो कम से कम स्लॉटर हाउस के बिना बाहर कहीं ना हो।